सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैंने कई घरों के अंदर बहुत ज़्यादा दिखते का एक और भी कारण है, उस घर में स्त्री। दाम्पत्य जीवन, अपने बेटे के दाम्पत्य जीवन में कई बार प्रॉब्लम जो खड़ी हो जाती है, उसमें सबसे बड़ा कारण उस बेटे की माँ या बहन या कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, स्त्री, खास तौर पर स्त्री, स्त्री पक्ष की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे, जी ऐसी क्या बात है, हमारी माँ तो बहुत अच्छी है, बहुत सरल है, बहुत सीधी। बिल्कुल सही कहा, सबकी माँ ममतामयी होती हैं, सरल होती हैं, सीधी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको नमन। लेकिन मुख्य बात क्या है कि कई स्त्रियाँ इतनी मीठी, इतनी सीधी होती हैं कि वास्तव में बहुत, वो क्या कहते हैं, कम बोलती, लेकिन क्या होता है कि एक बात को बार बार दोहराना, दिन भर में 2-3 बार दोहरा देना एक ही बात को, किसी बात को लेके मीठा मीठा बोलते पीछे पड़े रहना, चाहे वो धीमे धीमे बोले, थोड़ा थोड़ा बोले, लेकिन पीछे पड़े रहना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वहमी होना, ठीक है, हर बात में किंतु परंतु किए रखना, ठीक इसी प्रकार से कहते हैं मीठे लोभी होना, मेरी बात पर गौर करिए, और या फिर बिल्कुल ही कंजूस होना, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि उस बहू को बहुत तकलीफ देती है, ठीक है ना। हमेशा अपने बेटे की तारीफ किए रखना, और उस बहू की भी सही ढंग से तारीफ किए रखो भाई। अगर आपका बेटा सीधा, तो भाई सीधे का क्या करेगी वो, ये तो बताओ आप। जी मेरा बेटा बहुत सीधा है, बेटी देख मेरी बात, मतलब बहू को बोलती है, बहू या बेटी जो भी है, कि बेटी देख मेरा मेरा तेरा पति रूप मेरा बेटा बहुत सीधा है, बहुत बोला, इसके मन में मैल पाप नहीं है। वो क्या करेगी इन बातों का, उसको तो सीधी सीधी चाहिए कि एक ही बात उसको समझ में आती कि आपका बेटा मेरे को नहीं सही ढंग से खुश रख पा रहा है। मतलब यहाँ पर मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अपने आचार विचार व्यवहार कार्यशैली अंदाज से, ठीक है ना, नहीं रख पा रहा, क्योंकि वो मॉम्स बॉय है, आपका बेटा है, बस वो अपने परिवार की तारे, क्या कहते हैं, वो गीत गाए रखता है और उसके सर कुछ नहीं है, और मेरे अंदर कहता है हमेशा मीन में एक निकाले रखेगा, नुकता चीनी किए रखेगा, है ना, तो क्या फायदा। लेकिन नहीं, आप अपने बेटे की मेहर करते हैं, बेटा अगर काम नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप शादी तो करके ले आते, लेकिन बेटे ने काम छोड़ दिया, खाली दिखाने के लिए काम रखा था, ठीक है, या ऐसा वैसे चल रहा, सब कुछ कटी पतंग की तरह, बहुत सारी बातें ऐसी। तो माँ का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और जो जो माताएं या बहनें, क्या कहते हैं, अपने भाभी के प्रति या क्या कहते हैं अपने अपने परिवार में या अपने बहू के प्रति बहुत ज़्यादा शंकालु हो, वहमी हो, किंतु परंतु करने वाली हो, ठीक है ना, बातों को पकड़ने वाली हो, फिर समय पे ताना मारने वाली हो बराबर लगातार, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है, और अच्छे अच्छे विवाह संबंधों में भी काफ़ी ज़्यादा भूचाल सा आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करते करते, ठीक है ना, जैसे समुद्र की लहरें, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह करके। तो इससे बचे और अपनी कमियों को दूर, या तो उन बच्चे को थोड़ा सा अलग घर में कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका तरीका यही है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाते, मतभेद हो जाते, तो उन बच्चों को अलग कर दो। आपका बेटा चाहे कितना ही आपको बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँगा, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर, नहीं बेटा तू जा, तेरा घर खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा, तेरी पत्नी खुश रहेगी, अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं, चाहे अगली गली में चले जाओ या अगले शहर में चले, जैसा भी आपको उचित लगता है, आपकी बहू, आपकी मिसिज, मतलब आपके पास आती है नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू भी मेरे पास ज़्यादा मत आ, तुम लोग पहले अपनी गृहस्थी बसाओ, अच्छी तरह जमाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। आप भी मुझ बताओ, जबकि होता क्या विपरीत बात होती कि आप भी मुझ बताओ दे के बैठ जाते हो, माता पिता दोनों की बात ही करो, बेटा कैसे अलग हो जाएगा, हमारी तो मूछ कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, फिर वो बस वो इसी तरह चलते रहते, जबकि अलग अलग घर कर दो अगर आप सामर्थ्यवान हो तो भी, और नहीं भी तो भी क्या हुआ, किराए पे तो कोई भी ले सकता है, कोई आपको पैतृक संपत्ति से अलग थोड़ी करवा रहे हैं, बस आप ठीक है। वो कुछ लोग तो वैसे भी सर्विस के दौरान अलग रहते हैं, लेकिन होता है कि सर्विस कहीं और कर अपनी पत्नी को नहीं ले जाते, वो भी एक समस्या खड़ी हो जाती है, पत्नी जलती भुनती रहती है, ठीक है ना, वो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती है कई तरह की। वो माँ बाप केवल अपनी मूछ का ऐंठ रखे रखते हैं, समझदार माँ बाप क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ उनकी पत्नी को भेज, बेटा नहीं तुम्हारा मन भी लगेगा, तुम थक हार के आते हो, ऊपर से क्या कहते हैं परिवार को देखोगे, अपना अच्छा रहेगा, बढ़िया घर की रोटी मिलेगी, मतलब बहुत सारी बातें, और ये समझदारी का परिचय है, तो इस चीज़ को बहुत व्यापक रूप से लीजिए, इसके द्वारा कई बार बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, मैंने आपको बता दिया। और पति को भी इस चीज़ को सोच के चलना चाहिए कि मेरे को घर बसाना, तो मेरे को कहीं ना कहीं तो इस चीज़ में त्याग करना ही पड़ेगा, और एक बार पहले घर को बसाओ, आपके एडजस्टमेंट बने, ठीक है ना। मंगल कामना, नमस्कार।